तो हाय दोस्तों, मैं हूँ चेतन पटेल और आपका स्वागत वंदन अभिनंदन है लर्न बाय चेतन पर। और मैं लेके आया हूँ लॉजिकल प्रोग्रामिंग सीरीज का पार्ट नंबर 23। इससे पहले हम 22 पार्ट कवर कर चुके हैं लॉजिकल प्रोग्रामिंग सीरीज के। जाइए, चेकआउट कीजिए, वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, जो कर सकते हो वो कीजिए। तो आज हम लेके आया क्वेश्चन, राइट प्रोग्राम टू चेक गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3, 4, 8 और नोट। सो यहां पर सबसे पहले हमें क्या सोचना है कि इनपुट में क्या मिलेगा, एक नंबर, और आउटपुट में क्या मिलेगा। हमें उस नंबर को चेक करना है, अगर नंबर 3, 4 और 8 तीनों से डिविजिबल होता है तो आउटपुट क्या आएगा, नंबर इज डिविजिबल बाय 3, 4, 8। और अगर नंबर 3, 4, 8 तीनों में से किसी एक से भी डिविजिबल नहीं है, मान लीजिए 2 से डिविजिबल और 1 से नहीं है, तो आउटपुट क्या आएगा, नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3, 4, 8। जैसे अगर मैंने इनपुट में क्या लिया, मैंने इनपुट में लिया 12, तो 12 किस किस से डिविजिबल है, 3 से है, बिल्कुल है, 4 से है, हाँ है, पर 8 से है क्या, नहीं, 3 से है, 4 से, 8 से है क्या, नहीं। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3, 4, 8। अगर मैंने लिया क्या, मैंने लिया 16, तो 16 इनपुट में लिया, तो आउटपुट क्या आएगा, 3 से डिविजिबल है क्या, नहीं है, 4 से है क्या, हाँ है, 8 से है क्या, हाँ है, बट 3 से नहीं है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3, 4, 8। अब मेरा आउटपुट ऐसा कब आएगा कि नंबर इज डिविजिबल बाय 3, 4, 8। लाइक मैंने क्या लिया, 24 लिया, तो 3 से डिविजिबल है क्या, हाँ है, 4 से है क्या, हाँ है, 8 से है क्या, हाँ है। अगर तीनों से डिविजिबल हुआ तो ही मेरा आउटपुट क्या आएगा, नंबर इज डिविजिबल बाय 3, 4, 8। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इफ के अंदर तीन कंडीशन लिखेंगे, कितनी, एक हम लिखेंगे क्या कि नम मोडुलस 3 डबल इक्वल टू 0। एक क्या लिखेंगे हम, नम मोडुलस 4 डबल इक्वल टू 0, और एक क्या लिखेंगे हम, नम मोडुलस 8 डबल इक्वल टू 0। अब हमें डिसाइड करना है कि इनके बीच में क्या लगेगा, लॉजिकल और लगेगा या लॉजिकल एंड लगेगा। अब देखो मुझे क्या चाहिए कि भाई मुझे प्रिंट कब करना है कि नंबर तीनों से डिविजिबल है, जब तीनों से क्या हो, डिविजिबल हो, यहां भी नहीं प्रिंट होगा, यहां भी नहीं प्रिंट होगा, यहां भी क्या प्रिंट होगा, नंबर इज डिविजिबल बाय 3, 4, 8। तो अगर मुझे तीनों से अगर हो रहा है तो क्या प्रिंट करना है, नंबर इज डिविजिबल बाय 3, 4, 8, और किसी एक से भी नहीं हो रहा है तो क्या प्रिंट करना है, नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3, 4, 8। तो बीच में क्या लगेगा, लॉजिकल एंड, और यहां पे क्या लगेगा, लॉजिकल एंड। मींस ये कंडीशन भी ट्रू चाहिए मुझे, ये भी ट्रू चाहिए और ये भी ट्रू चाहिए। अगर तीनों ट्रू है तो लॉजिकल एंड क्या देगा, ट्रू देगा, और तब हम क्या प्रिंट करवाएंगे, नंबर इज डिविजिबल बाय 3, 4, 8। और अगर इसमें से एक भी फॉल्स हो गई, इसमें से अगर एक भी क्या हो गई, एक भी फॉल्स हो गई, लाइक 3 से नहीं हो रहा है, 4 और 8 से हो रहा है, ये 16 वाला, तो लॉजिकल एंड क्या करेगा, दो कंडीशन ट्रू है एक फॉल्स है, तो क्या देगा, फॉल्स दे देगा। तो इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं, देन अगेन थोड़ा सा समझते हैं। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यूजर से एक नंबर लेना है, तो उस नंबर को स्टोर करने के लिए मैं क्या करूंगा, इंट नम नाम का मैंने क्या लिया, वेरिएबल लिया, नम की वैल्यू किससे लेना है, बाय यूजर, नम की वैल्यू किससे लेना है, बाय यूजर। अब वैल्यू लेने के बाद यहां पे क्या होगा, इफ अगर नम मोडुलस 3 डबल इक्वल टू 0, लॉजिकल एंड नम मोडुलस 4 डबल इक्वल टू 0, लॉजिकल एंड नम मोडुलस 8 डबल इक्वल टू 0। देखो ये कंडीशन, एक कंडीशन, दो कंडीशन, तीन कंडीशन, कि वह नंबर का 3 से मोडुलस लेने पे भी 0 आना चाहिए, यानी 3 से पूरी तरह डिवाइड जा रहा है, 4 से मोडुलस लेने पे भी रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, यानी 4 से भी डिवाइड हो रहा है, और नम का 8 से मोडुलस लेने पे आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, मतलब नंबर 8 से भी डिवाइड हो रहा है। और जब तीनों ट्रू रहेंगे तभी लॉजिकल एंड क्या देगा, इफ के अंदर क्या देगा, ट्रू देगा, और ट्रू देगा तो हम क्या प्रिंट कर सकते हैं, हम प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर अगर तीनों ट्रू हुआ तो इसके अंदर क्या आएगा, ट्रू आएगा, और ट्रू आएगा तो इफ चलेगा, और इफ चलेगा तो हम क्या प्रिंट करेंगे, हम प्रिंट करेंगे नम इज डिविजिबल बाय 3, 4 एंड 8। लेकिन अगर तीनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन गलत हुई गाइस, तो क्या होगा,
लॉजिकल एंड क्या दे देगा, फॉल्स दे देता है। अगर दो कंडीशन ट्रू हो गई और एक फॉल्स हो गई तो लॉजिकल एंड क्या बोलता है, मैं ट्रू कब दूंगा, जब तीनों कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। अगर तीनों में से एक भी फॉल्स हुई, तो ऑटोमेटिकली कौन चलेगा, मेरा else चलेगा, और क्या प्रिंट कर देगा, ये प्रिंट कर देगा num is not divisible by 3, 4 and 8, कि मेरा नंबर डिविजिबल नहीं है 3, 4 और 8 से। एक एग्जांपल लेते हैं हम, like मैंने इनपुट में क्या लिया, 12 लिया, num में क्या लिया मैंने 12 लिया, तो 12 का 3 से मॉड्यूलस लूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 12 का 3 से मॉड्यूलस लूंगा तो क्या मिलेगा, रिमाइंडर 0, 0 डबल डबल 0 ट्रू, 4 से लूंगा तो क्या मिलेगा, 0, 0 इज ट्रू, तो यहां भी ट्रू आ जाएगा, यहां भी ट्रू आ जाएगा। लेकिन 8 से अगर मैं 12 का क्या लूंगा, मॉड्यूलस लूंगा, तो 8 बन जा 8, यहां पे क्या आएगा 1, और नीचे रिमाइंडर में क्या बच जाएगा 4, तो क्या 4 डबल डबल 0 है क्या, नहीं, फॉल्स। तो जब इनपुट में 12 आएगा तो क्या प्रिंट कर देगा, ये प्रिंट कर देगा इल्स नम इज नॉट डिविजिबल बाय 3 4 8। अगर इनपुट में 24 आया तो 3 से भी नम, 3 से 24 का मॉड्यूलस लेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ट्रू हो जाएगा। 24 का 4 से मॉड्यूलस लोगे रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। और 24 का 8 से मॉड्यूलस लोगे तो भी रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0, 0, 0 क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो 24 के टाइम पे मुझे क्या मिल जाएगा, नम इज डिविजिबल बाय 3 4 8। तो गाइस ये था हमारे इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि आपको समझाने ही हम आए। अब हम क्या करते हैं, हमारे सिस्टम के अंदर चलते हैं और इस क्वेश्चन को इंप्लीमेंट करते हैं सी, पाइथन, जावा, हर एक लैंग्वेज में। और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आपको कोई सी वीडियो बनवाना है किसी भी क्वेश्चन की, तो आप कमेंट कर सकते हो कि इस क्वेश्चन पे वीडियो मुझे चाहिए, तो मैं आपको उस क्वेश्चन पे अगले दिन तक वीडियो प्रोवाइड करूंगा। सो गाइस प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो, एंड लेट्स गो इन सिस्टम। तो हाँ दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे सिस्टम के अंदर, और मैंने यहाँ पर ऑनलाइन जीडी भी खोल के रखा है एंड सी लैंग्वेज सिलेक्ट करके रखी है, और यहाँ पर हम किसी भी लैंग्वेज में कोडिंग कर सकते हैं ऑनलाइन जीडीपी पर। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है, राइट प्रोग्राम टू चेक गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3, 4, 8 और नोट। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यूजर से एक नंबर लेना पड़ेगा। तो मैंने एक नम नाम का वेरिएबल लिया और यूजर को क्या बोला, यूजर को बोला प्रिंट एफ इंटर अ नंबर। तो मैंने प्रिंट एफ इंटर अ नंबर, सो जैसे मैं एक नंबर इंटर करूंगा तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एक मैसेज पास होगा जस्ट, एंड स्कैन एफ का यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ, नंबर को यूजर से ले सकता हूँ। तो परसेंटाइल डी, और नंबर को कहाँ स्टोर करूंगा मैं, एड्रेस ऑफ नंबर। अब नंबर ले लिया, अब मुझे चेक करना है नंबर 3, 4, 8 तीनों से डिविजिबल है या नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि हम नम का मॉड्यूलस लेंगे किससे, 3 से, डबल इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, लॉजिकल एंड। नम का मॉड्यूलस लेंगे किससे हम, 4 से, डबल इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, लॉजिकल एंड। नम का मॉड्यूलस किससे लेंगे हम, 8 से, और डबल इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर तीनों कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा इफ एग्जीक्यूट होगा और हम क्या प्रिंट कर देंगे, हम प्रिंट कर देंगे नंबर इज डिविजिबल बाय 3, 4, 8 एंड। अगर इफ की कंडीशन फॉल्स है तो कौन चलेगा हमारा, एल से चलेगा, और यहां पर हम क्या प्रिंट कर देंगे, नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3, 4, 8। सो दोस्तों हमारा प्रोग्राम बन चुका है, इसको मैं रन करके बताता हूँ। लाइक हमने कुछ एग्जांपल लिए थे, हमने लिया था 12, तो ये क्या बोलेगा, नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3, 4, 8, क्योंकि 12 ओनली 3 एंड 4 से होता है, 8 से नहीं होता है। अगर मैं 16 लूंगा तो भी क्या बोलेगा, 16 ओनली 4 और 8 से होता है, 3 से नहीं होता है। लेकिन अगर मैं लूंगा 24 या 48 तो इसमें क्या आएगा, नंबर इज डिविजिबल बाय 3, 4, 8, क्योंकि 48, 3, 4, 8 तीनों से डिविजिबल होता है। तो दोस्तों इसको कर लेते हैं हम सेव, एंड फिर हम चलते हैं कहाँ पर, पाइथन में कोडिंग करने। सो इसको कर लिया मैंने सेव इन सी लैंग्वेज, और ये हो गया हमारा सेव। एंड अब हम चलते हैं कहाँ पर,
पाइथन में, तो मैंने यहाँ पर पाइथन सिलेक्ट किया एंड इसको रिलोड किया। अब हम यहाँ पे करने वाले हैं पाइथन लैंग्वेज में। सो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूँ। कमेंट करने के लिए यहाँ पर हैश का साइन यूज किया जाता है। अब मुझे क्या करना है, यूजर से एक नंबर लेना है। सो नंबर में क्या बोलूंगा, इंट इनपुट एंड इंटर नो, जैसे नंबर लूंगा। यहां पे ये चेक करना है मुझे, इफ नम मोडुलस टू नहीं थ्री डबल इक्वल टू जीरो, और यहां पर क्या लिखते हैं हम, और लिखते हैं नम मोडुलस फोर डबल इक्वल टू जीरो और नम मोडुलस एट डबल इक्वल टू जीरो एंड कोलन। और अगर ये ट्रू हुआ तो हम क्या प्रिंट करेंगे, नंबर इज डिविजिबल बाय 3, 4, 8 एंड अगर ये नहीं हुआ तो कौन चलेगा, एल से चलेगा। एंड एल से हम क्या प्रिंट करेंगे, हम प्रिंट करेंगे नंबर इज डिविजिबल नॉट डिविजिबल, नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3, 4, 8। और ये हमारा दोस्तों पाइथन में बन चुका है। देन मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो मैं इसमें भी तीनों कंडीशन ले लेता हूँ। अगर मैंने 12 लिया तो ये क्या बोलेगा, नंबर इज डिविजिबल बाय 3, 4, 8। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या यूज करना था, लॉजिकल एंड, और मैंने गलती से क्या यूज कर लिया, लॉजिकल और, इसलिए मेरा आंसर क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर लॉजिकल एंड यूज करना है। अभी हम करेंगे और अब 12 लेंगे हम, तो हमारा आंसर क्या आएगा, बिल्कुल प्रॉपर आएगा। एंड नेटवर्क के कारण थोड़ा सा स्लो चल रहा है हमारा सिस्टम, क्योंकि ऑनलाइन जीटीपी किससे चलता है, नेटवर्क चलता है। सो नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3, 4, 8 एंड मैं लेता हूँ क्या 48, तो ये क्या बोलेगा, नंबर इज डिविजिबल बाय 3, 4, 8। ठीक है गाइस, सो ये पाइथन बना चुके हैं हम। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं अगेन एक्सप्लेन करूंगा। एंड जावा में आपको कहाँ मिल जाएगा ये कोड, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, जावा में आप वहां पर देख सकते हो। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो क्या करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।